Hello students, good morning. Myself Pawan sir. Today I am going to teach you class 6 social study. बच्चों मैं आपको class 6 के social study का जो part history है उसका video लेके आया हूँ. तो मैंने आपको previous videos में buildings और monuments के विषय में बताया. आज archaeological का जो second आपका part है coins, आज उसको लेकर आया हूँ. तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. क्वाइंस ड्यूरिंग एग्जीबिशंस अ लार्ज नंबर ऑफ क्वाइंस हैव बीन अनअर्थड. जब खुदाई हुई, जब हमारे पुराने समय में जब खुदाई शुरू हुई तो अ लार्ज नंबर ऑफ बहुत प्रकार के सिक्के जमीन के अंदर से अनअर्थड है ना, तो जमीन के अंदर से बहुत प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए. These coins, वो सिक्के थे किसके made up of gold, कुछ सोने के बने हुए थे, कुछ चांदी के बने हुए थे, कुछ कॉपर के थे एंड अदर मेटल, और भी जो धातु उस समय यूज की जाती थी वो उस तरीके के थे. अब कौन सा क्वाइन किस समय में चलता था इसका तो पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट उसमें जो प्रिंटेड जो छपे हुए आपके फिगर्स थे उसके अकॉर्डिंग हम इमेजिन किए थे कि ये जो आपके क्वाइंस है वो इस रूलर के या इस किंगडम के थे. तो हैं कैसे, जैसे देखिए आपको एग्जांपल दिया, मेनी ऑफ देम बहुत सारे ऐसे क्वाइंस है डेटेड जिस पे डेट लिखा रहता था एंड टेल्स अबाउट डिफरेंट पीरियड एंड रूलर. वो हमें ये बताते थे कि ये इस समय के थे या ये इस शासक के थे. क्वाइंस टेल्स अस अबाउट मोर देन वी वुड नो अदरवाइज. क्वाइंस में बताते थे ये जो था ये जो किस पीरियड का है या किस रूलर का है. अदरवाइज हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन उस समय की तो थी नहीं या कोई ज्यादा लिखित प्रमाण थे कि हम आसानी से उसको गेस कर सके. ध्यान दिया ना, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वाइंस ऑफ समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त शासक था उसके जो सिक्के होते थे उस पर डिपिक्ट हिम विद अ वीणा, उस पर उसके साथ एक वीणा लेके बैठे हुए थे. तो वो क्या बताता था, विद सोज, जो कि दिखाता था कि जो राजा थे किंग थे समुद्रगुप्त लव फॉर म्यूजिक, वो संगीत के बहुत प्रेमी थे. एट द सेम टाइम उसी समय द मेटल यूज्ड इन अ क्वाइंस टेल्स अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोस टाइम. और सिक्कों के ही आधार पर यह पता चलता था कि उस समय का इकोनॉमिक का मतलब आपका अर्थशास्त्री, जो कंडीशन था उस समय का, जो स्थिति थी इकोनॉमिक वो किस प्रकार की थी, वो हमें क्वाइंस के ही अकॉर्डिंग पता चल जाता था. सिमिलरली सामान्यतः द क्वाइंस ऑफ वन किंगडम फाउंड इन अनदर इंडिकेट द ट्रेड रिलेशन बिटवीन किंगडम्स. तो उस समय जो सिक्के थे, जैसे एक सिक्का आपका सिल्वर का जो प्रिंटेड था वही दूसरे किंगडम वाले में भी वही प्रिंटेड आपका मिल जाता था, तो इससे ये पता चलता था कि इस किंगडम का दूसरे किंगडम के साथ ट्रेड का व्यापार का रिलेशन था एक दूसरे के साथ. तो इस तरीके से पता चलता था उस समय प्राचीन समय में भी व्यापार होते थे और एक राजा दूसरे राजा के साथ ट्रेड रिलेशन रखता था. तो ये रहा बच्चों आपका क्वाइंस. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पार्ट लेके आऊंगा. दैट्स ऑल, थैंक यू.